तुझसे तेरा सब कुछ छीन लूंगा। कल रात तेरे माँ बाप को छीना, अगले दिन जिया को छीनूंगा, और तुझे तो कुत्ते की मौत मारने की माँ कसम भी खा रखी है। जलंधर, सब सही था, माँ बाप पे जाकर गलती कर दी। अब कौन किसे कुत्ते की मौत मारेगा वो मैं बताऊंगा, तू नहीं। बुला ले जिसे बुलाना है, अगर उसके कांड में दम होगा ना तो बोलना मेरे से छुड़ा के ले जाए तुझे। हे गाइस, एक और नए वीडियो के साथ आ चुका हूँ। जानता हूँ बहुत लेट हूँ, ना पीसी क्लाइंट है ना दिल करता है वीडियोस आजकल बनाने का, क्योंकि उतना रिस्पांस नहीं आता, बिल्कुल रिस्पांस नहीं आता बल्कि। तो अपने हिसाब से जो करना है आप कर दो यार, सब्सक्राइब लाइक, क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ बोलूंगा नहीं। एंड डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक है, प्लीज़ जाके उसे सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं वहाँ पर बहुत मेहनत कर रहा हूँ। कम से कम वहाँ पर सपोर्ट करके प्यार दिखाओ। एक अजनबी हसीना से अभिनंदन, मुझे आपकी जरूरत है, प्लीज़ रुक जाइए। मैंने करी तो आपकी मदद, अब क्या चाहिए? वो वीर जलंधर के कब्जे में है, प्लीज आप उसे बचा लीजिए, वरना पता नहीं वो उसके साथ क्या करेगा। मैं क्या हूँ, किसी को कुछ भी होता है, अभिनंदा बचा लो। खैर, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, जलंधर हो या उससे भी बड़ा कोई बाप, मैं काफी हूँ उसका अकेला बाप। मैं पता नहीं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूँ, खैर मैं आपका इंतजार करूंगी। मैं वादा करता हूँ बहन, उसे तुम्हारे पास लेके आऊंगा, और ये वादा किसी ऐरे कहरे का नहीं, अभिनंदा का है। और इस वादा को पूरा करने के लिए जलंधर जैसे 100 पापी भी पैदा हो जाए तो उनकी भी माँ की आंख कर दूंगा। गारू और कार तैयार। हाँ गारू, अकेला चला जा, शुरू से आज तक मेरे साथ मिलकर लड़ता है और आज तू अकेले जाने की बात कर रहा, मैं भी चलूंगा। अरे नहीं रे, तू ऐसे क्यों बोल रहा है यार, इस बार थोड़ी बात अलग है विष्णु। वाह, नहीं भाई अब तू चला जा, मुझे कुछ नहीं बोलना इसके बाद। सुन सुन, आ जाऊंगा, जल्दी आ जाऊंगा, हम तीनों साथ जा रहे, अभिनंदा काल और मैं, मतलब तूफान तो मचा ही देंगे, क्यों चिंता कर रहा है। वेल मिस यू, जल्दी आना। हाँ जल्द आऊंगा, तो चिंता मत कर, तब तक तू बम्बल और टिंडर पे लड़कियां फंसाना बे। मुझे पता है तुम सबने एक एक बार उसकी मदद करी है, लेकिन जिससे वो पंगे ले रहा है कोई चोर बाजार का गुंडा नहीं है वो। जो भी है, एक आखिरी बार हम उनकी मदद करेंगे। एक को मारने के लिए तीन जाए, मैं अकेला ही काफी हूँ, तुम लोग अपने रास्ते निकलो, मैं अपने। काल, मैं जानता हूँ तू अकेला मार के आ सकता है, लेकिन साथ भी जाए तो कुछ गलत नहीं है। चलते हैं और देखते हैं क्या हाल चाल है लौंडे के। उसकी भैंस की टैग, चलो। अरे इतनी जल्दी, ये दोनों तो जवान लग रहे हैं। कोई बात नहीं, मौत चाहिए आ जाओ, दिला दूंगा। ए, गलती से पैदा हुआ था क्या बे तू? जाके तेरी माँ से पूछ, अब तो तुझे मैं ही मारूंगा मादक भूत। ये हंसी तेरे पीछे नहीं डाल दी तो मेरा नाम भी अभिनंदा नहीं, नया नाम सोच के रखो मेरी जान। लेकिन एक बात तो है, मेरी खौफ तो है, अकेले नहीं आए, इतनी लेके आए हैं बेचारे, फिर भी मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। आ जाओ, ऐसा है तो एक एक करके ही लड़ेंगे। गारू जा, इनसे तो पहले भी लड़ चुका हूँ, तू आना, तेरी फट गई क्या? जब मैं आऊंगा ना तो सच में फट जाएगी। पिछली बार तो तुम सबको छोड़ दिया था,
लेकिन अब निचोड़ के ही रहूंगा। अबे चल बे, इंडियन होकर रशियन को झुका दिया, तू तो फिर भी बाबर के जमाने का है। कहते हैं ना, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। आज तुम सबको झुकाऊंगा, आ जा। आ रहा हूं बे। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। रसिया जाके ये समझ नहीं आया खड़ा होना कितना आसान है। अभी भी मौका है गारू, सॉरी बोल के निकल ले, वरना मौत का राजा जलंधर तुझे मौत दिखाई देगा आज। बेकार में मैं नहीं चाहता न्यूज़पेपर की हेडलाइन बने, गारू टॉन की हुई मौत। अब तो गया। जी खन वो घूम गएगा। ये क्या ही लड़ेगा, इसकी तो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हैं। तुम में दम नहीं है क्या? कौन आएगा इस बार? अभिनंदन मैं जाता हूँ। नहीं, मैं जाऊंगा, मैं बताता हूँ क्या होती है ताकत। अब आएगा मजा। ये लप्पू से कारोबारों को क्यों भेज देते हो? दम दिखाओ अभिनंदन, आ जाओ। अब ये मैटर सिर्फ वीर का नहीं रहा, ये मैटर अब पर्सनल हो चुका है, और जब बात पर्सनल की हो जाती है तो खानदान चौंकनी चाहिए सामने वाले की। मुझे पता है तेरे माँ बाप तो नहीं होंगे। चल कोई नहीं, तुझे आज तेरे माँ बाप से मिलवा देता। बिल्कुल सेम टू सेम, सेम टू यू। मेरा नाम वीर नहीं, अभिनंदा है। शेर किस्मत से नहीं, चाहत से बनते हैं। हौसले मजबूत और बाजुओं में ताकत ऐरों गैरों के नहीं होते। जिसके नाम को लोग नहीं पूरी दुनिया जानती हो, बाप वही होते। अरे मैं डर गया, मैं डर गया, मैं गिर जाऊंगा। अबे आ बे। सकता ये कैसे किया? अब तेरा खेल खत्म। अभिनंदा के आगे कोई बोल सकता है क्या? अभिनंदा जीतेगा तो वही जो योग्य होगा। किधर गया ये? पीछे तो देख। क्या बेहरे पत्ते, अब तू भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता है क्या? काल दिखा दे तू कौन है और क्यों है। अब बेचारों से नहीं हो पाता तो दूसरों पे भरोसा कर लेते हैं। आ जा काल, काल मचाएगा भोकाल। अबे लड़ने आना, के बाद लड़ाई होगी, जरूर होगी, और जीतूंगा तो मैं ही। अगर जंग हुई और जीतेगा तू ही, तो उस दिन डर के क्यों भाग गया था बे? हाँ तू वो छोड़, ये संभाल। क्यों ईगो हट हो गई क्या? अभी तो मेन पिक्चर बाकी है। तेरी मौत का कारण मैं नहीं, मेरा गुस्सा बनेगा। काल तेरा हो गया, अब मेरी पारी। अब तेरी नहीं हमारी बारी। जब एक एक करके तीनों को मार सकता हूँ तो एक बार में तीनों सही। जिन तीनों को तू इतना कमजोर समझ रहा है, आगे वक्त बोलेगा, मैं नहीं। क्या सोच रहा है तू? इतना आसान है मारना? अगर इतना ही आसान होता तो हर कोई मार के ना चला जाता। जलंधर तेरा
कौन सी चीज है बे? ए, तेरे को जिंदा रहने का है, हम छोड़ देंगे तेरे को। ये बताओ वीर कहाँ है? चल छोड़, बताता हूँ। ब्रोकन हार्ट पीक पे है वो, जा खुश रह। बेवकूफ, अब तुझे जिंदा छोड़ना तुझे लगता है? और मैं तुझे सच बताऊंगा, तुझे लगता है? बेवकूफ, जानता था दोगलागिरी करोगे, मैं क्यों बताऊंगा सच में? चल जाके खुद से ढूंढा। ए, फिर वीर कहाँ है? मैं तो मर ही रहा, सोच रहा हूँ एक और की जान ले लूं। खैर अभी तक तो वो मर गया होगा, जा उसकी डेड बॉडी ढूंढ ले, बस इतना जान ले कहीं तड़प रहा है वो। ना कोई भगवान ना कोई शैतान, देख ले नज़दीक से। अभिनंदा कॉल करके तुरंत ये बात जिया को बता देता है और जिया और अभिनंदा निकल जाते हैं वीर को ढूंढने। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ? ये कहां ढूंढूं उसे, कहीं नहीं मिल रहा। कुछ ऐसी बात हो गई, वो अचानक बहुत ढूंढा, कहीं नहीं मिल रहा वो। मुझे लगता है अब वो नहीं रहा। ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता, वो ठीक होगा कहीं। जब हमने जलंधर को मारा तब उसने कहा था अब तक तो वीर मर चुका, और इतना ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिला, फिर तो वो। चुप करो, महादेव है उसके साथ, उसे कुछ नहीं होगा। अब महादेव भी आ जाए तो कोई उसे नहीं बचा सकता, तुम्हें ये बात समझ। नमामी 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 है, और जब तक महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, कोई भी पापी उसे छू नहीं सकता। वीडियो देख ली एंड नेक्स्ट वीडियो आने वाला है प्यार तूने क्या किया का फर्स्ट पार्ट, यानी कि प्यार तूने क्या किया का अभी तक का सबसे बेस्ट सीरीज आने वाला है। एंड इसका फर्स्ट पार्ट तब आएगा जब तुम ये वीडियो देख रहे हो यहां पे, जस्ट इस पे क्लिक करो एंड जाके देखो। जैसे ही इस पे 10,000 व्यूज आएंगे मैं प्यार तूने क्या का फर्स्ट पार्ट डाल दूंगा यहां पे, देखो क्लिक करो जल्दी से, ये वीडियो तुम्हें दिख रहा है मेरे दूसरे चैनल पे, जाके देखो यार, जाके देखो एंड प्यार बरसाओ। एंड जल्द मिलते हैं प्यार तूने क्या का फर्स्ट पार्ट के साथ।